हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप कौशल और हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहां पर अभी तक समझे हुए हैं, उनको सॉल्व करके देखा हुआ है और हमने ये भी सॉल्व करते हुए ये भी देखा हुआ है कि इस टाइप के कितने और क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी एक पैटर्न पर, यानी एक टाइप के क्वेश्चन का यदि हम सॉल्व कर रहे थे, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। और उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक या उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमने सीख रखा है। ठीक, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे करते हैं, परम्यूटेशन पर। तो परम्यूटेशन में हमने क्या देखा था, एनपीआर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। एनपीआर इक्वल्स टू हो रहा था एन ब्रैकेट एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, ये कहां तक, एन माइनस आर प्लस वन तक हो रहा था। इसी को हमने आगे एक्सटेंड करके सॉल्व किया था, यानी प्रूफ किया था एनपीआर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसके बाद में हमने एनपीएन की वैल्यू फाइंड की थी, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड की थी। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है। उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और भी हैं हमारे पास में। इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद में इसके हम वर्ड प्रॉब्लम पर जाएंगे। जैसे कि यदि हम परम्यूटेशन पढ़ रहे थे, तो परम्यूटेशन बेसिकली होता क्या था, परम्यूटेशन में क्या कर रहे थे, जो हमारे आउटकम्स आ रहे थे, जो भी हमारी थिंग्स आ रही थी, दैट आर नॉट रिपीटेड, वो रिपीटेड होने के बाद नहीं आ रहे थे। सिमिलर, जैसे कि हम समझें कि यदि हम कोई भी पांच ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर इंसर्ट कराते हैं, यानी कि हम रैंडम, हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, रैंडम ऑब्जेक्ट्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सेवन ऑब्जेक्ट्स में से हमें फाइव ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है। अब यानी कि यदि हम देखें ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पर ये सिक्स सेवन ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी सी डी EFG, ये सेवन ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से हमें रेंडम किसी को भी यहाँ पर लाना है, तो यहाँ पर सेवन में से कोई भी एक लेकर के आएंगे, फिर बचे हुए सिक्स में से, फिर बचे हुए फाइव में से, फिर बचे हुए फोर में से, फिर बचे हुए थ्री में से। यही हमारा परम्यूटेशन होता था। किस तरह से, एन पी आर क्या हो रहा था, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और या फिर हम इसको क्या लिख सकते थे, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, एन माइनस आर माइनस वन था, एन माइनस आर प्लस वन था, अब यहाँ पर आर कितने हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, यानी आर की जगह पर फाइव, और एन की जगह पर कितने हैं, सेवन, सेवन माइनस फाइव प्लस वन, यानी सेवन प्लस वन एट, माइनस फाइव यानी थ्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एन की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, सेवन, तो सेवन माइनस वन सिक्स, सिक्स यहाँ पर, सेवन माइनस फाइव यहाँ पर फोर, तो यहाँ पर बचा हुआ क्या होगा, थ्री, यानी यहाँ पर n माइनस फोर होगा, दैट विल बी द मैक्सिमम। तो ये हमारा जो आउटकम्स आ रहा था वो कितना आ रहा था, सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री। बेसिक परम्यूटेशन क्या था, जहां पर कि रिपीटेशन अलाउड नहीं था। इतनी बात क्लियर है, जब आपको इतनी बात क्लियर है कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वहां से हम देखेंगे कि रिपीटेशन अलाउड हो रहा था तब क्या हो रहा था, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो रहा था तब क्या हो रहा है, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर रखा है। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, k प्लस फाइव पी के प्लस वन इक्वल्स टू इलेवन टाइम्स ऑफ k माइनस वन होल डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई k प्लस थ्री पी के। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, k प्लस फाइव पी के प्लस वन है तो क्या होगा, k प्लस फाइव का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्लियर, और यहां पर एन पी आर यानी एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो क्या होगा, के प्लस फाइव माइनस के माइनस वन इसका फैक्टोरियल हो जाएगा, इक्वल्स टू इलेवन टाइम्स के माइनस वन है होल डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाइड में के प्लस थ्री का फैक्टोरियल हो जाएगा, होल डिवाइड में क्या होगा, के प्लस थ्री माइनस के का फैक्टोरियल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, केवल हमने एनपीआर और यहाँ पर एनपीआर का फॉर्मूला यूज किया है, उसके बाद में हम इस स्टेप तक पहुंच गए। ठीक, यहाँ पर हमें के की वैल्यू बतानी है, इधर पे हमारे पास में के प्लस थ्री फैक्टोरियल, इधर पे के प्लस फाइव फैक्टोरियल, तो इसको हम लिख सकते हैं के प्लस फाइव इंटू के प्लस फोर इंटू के प्लस थ्री का फैक्टोरियल। अब हमारे पास के प्लस थ्री फैक्टोरियल एल एच एस में भी आर एच एस में भी है, देन इट कैन बी कैंसिल आउट। अब यहाँ से हम देखें तो एक के से ये कैंसिल हो जाएगा, फाइव माइनस वन फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल हो जाएगा भाई। लो यहाँ पर क्या आ रहा है, इलेवन इंटू के माइनस वन इंटू के प्लस थ्री का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई क्या है,
ऑल डिवाइडेड बाई ये के से के कैंसिल, तो 3 का फैक्टोरियल 2 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, अब हम यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे इस 3 के फैक्टोरियल से, ये 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर k प्लस 3 फैक्टोरियल इस k प्लस 3 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर देगा, अब हमारे पास में आउटकम बचेगा वो कितना बचेगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 5k 9k हो जाएगा, प्लस 5 4 20, ये न्यूमरेटर में है, यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर 4 जाएगा तो 4 इंटू 11 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा तो 11 2 जा 22 k माइनस 22 होगा, तो इधर से आएगा k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 20, और यहाँ पर था 11 2 जा 22 के, तो इधर आएगा माइनस 22 के हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 22 है तो इधर पे आएगा प्लस 22, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पर के के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या आएगा के स्क्वायर माइनस 13k, इससे और इससे निकल करके माइनस 13k, और यहाँ पर कितना आ रहा है प्लस का 42, ठीक है, तो यहाँ पर के स्क्वायर माइनस 13k और यहाँ पर प्लस का 42 आ रहा है, इस तरह से अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर के दो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या निकल सकते हैं, 13k है और यहाँ पर प्लस का 42 है, क्या आएगा के स्क्वायर माइनस 13k प्लस 42, तो यहाँ पर के स्क्वायर माइनस 7k माइनस 6k प्लस 42 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर के की दो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, जो कि होगी के माइनस 7 इंटू के माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फिर k इक्वल टू हो सकता है 6.7, यानी कि हमारे पास में k की वैल्यू 6 भी आ सकती है और k की वैल्यू 7 भी आ सकती है, तो यहाँ पर हम यदि k की वैल्यू 6 पुट कर रहे हैं तो भी कोई नंबर नेगेटिव नहीं आ रहा, यदि हम यहाँ पर k की वैल्यू 7 भी पुट कर रहे हैं तो कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं आ रहा। यहाँ पर कंडीशन क्या होती थी, r के लिए जो r होता था वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू n होता था, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n होता था, तो इस केस में जो r है वो किसी भी केस में नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, तो ये टर्म यहाँ से कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, इसलिए जो हमारा आंसर आएगा उसको हम पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करके भी देखेंगे क्या कोई टर्म नेगेटिव तो नहीं जा रहा, यदि नेगेटिव जा रहा होगा तो वो पर्टिकुलर आंसर डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो इनको हमें सॉल्व करना आ गया है, यहाँ पर कोई भी यदि डाउट आ रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा टाइम दे करके समझ सकते हैं, फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है an इक्वल्स टू है n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल होल डिवाइड, यहाँ पर n प्लस 1 फैक्टोरियल है, और फिर उसके बाद में हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन n इक्वल्स टू 1 टू 50 ऑफ an, करेक्ट। तो यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर से हमारा जो वर्कआउट होगा वो किसको लेकर के होगा, an को लेकर के होगा, इस टाइप का हम क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम an को सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लिखते हैं, यहाँ पर यदि हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल आएगा। सिमिलर हमसे पूछा गया है a1 प्लस a2 प्लस a3 और ये कहाँ तक है, a50 तक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया इनका सभी का समेशन, तो n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो ये आएगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस 2/3 फैक्टोरियल प्लस 3/4 फैक्टोरियल प्लस 4/5 फैक्टोरियल, और ये कंटिन्यू करके जाएगा कहाँ तक, यहाँ पर जब n की वैल्यू 50 होगी, जब n की वैल्यू 50 होगी तो 50/51 का फैक्टोरियल होगा, यही होगा ना। अब इस तरह से हमारे पास में समेशन लिखा हुआ है, इसका हमें डायरेक्ट कोई भी आंसर या कोई भी लॉजिकली इसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, यदि हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे इसलिए हम यहाँ पर ए एन को सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लिखेंगे, वो किस तरह से लिखेंगे हम सीखते हैं। एन इक्वल्स टू है एन अपॉन एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, पहले वाले क्वेश्चन में था एन इंटू एन का फैक्टोरियल, उसमें हमने एन के साथ प्लस 1 और माइनस 1 किया था, उसके बाद में एन प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल आया था, इसी तरह से हम कुछ यहाँ पर भी करने वाले हैं, यहाँ पर हम प्लस 1 कर रहे हैं और माइनस 1 कर रहे हैं।
प्लस वन कर रहे हैं और माइनस वन कर रहे हैं, तो फिर क्या आएगा हमारे पास में? भैया यहाँ पर हमने न्यूमरेटर में कुछ ऐड किया और उतना ही सब्सट्रैक्ट कर दिया, मींस हमने कुछ भी नहीं किया। तो फिर अब हम इसको लिख सकते हैं एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई एन प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल, करेक्ट। यहाँ पर हमने इन टर्म को इस तरह से अलग अलग करके लिख लिया और उसके बाद में n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल। इसको यदि हम और सिंप्लीफाई वे में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन का फैक्टोरियल, जो कि ये कैंसिल करा देगा, ये माइनस वन अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो हमारा ए एन जो निकलने वाला है वो क्या है, वन अपॉन एन फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल, क्लियर। तो ए एन हमारा इस तरह से आ गया है। अब हम ए एन को इसके फॉर्मेट में ना लिख करके इसके फॉर्मेट में लिखेंगे, जहां पर कि हमारे मैक्सिमम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर इतना ऑपरेशन करने के बाद में इस फॉर्मेट में लिख करके लाए हैं, करेक्ट। तो जब हम इस फॉर्मेट में लिख करके लाए हैं तो हम इसको इस तरह से ना लिख करके अब कैसे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे a1 को लिखेंगे 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये क्या है, ये a1 है। नेक्स्ट हमारे पास में जो a2 होगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये हमारा ऑर्डर क्लियरली हमारा आगे चला जाएगा, ये a2 है। अब यहाँ पर प्लस में 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये हमारा जब 49th होगा तो 1 अपॉन 49 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 50 फैक्टोरियल होगा, और जब 50 होगा तो 1 अपॉन 50 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 51 का फैक्टोरियल होगा। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रही है। ये हमारा अगला टर्म होगा, ये हमारा 49th टर्म होगा, ये हमारा 50th टर्म होगा, करेक्ट। तो यानी सारे टर्म्स को हमने इस ऑर्डर में लिख रखा है। अब हम देख पा रहे हैं 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा, 1 अपॉन 3 से 1 अपॉन 3 हो रहा, 1 अपॉन 4 से 1 अपॉन 4 हो रहा, इसी तरह से 1 अपॉन 49 से 1 अपॉन 49 होगा, 1 अपॉन 50 से 1 अपॉन 50 हो जाएगा। लास्ट वाला टर्म है माइनस 1 अपॉन 51, जो कि हमारा लार्जेस्ट टर्म है, यानी कि 51 जो आ रहा, 51 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर जो कि लार्जेस्ट है, वो किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 51 फैक्टोरियल। इसको हम और सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं, 51 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 51 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, जहां पर कि हमें फोकस करना होता है इस वाले टर्म को। ऐसे हमारे पास में कई क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लियर। जब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हमेशा फोकस करना है ए एन को हम कितने सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं, और यदि हमने एन को सिंप्लीफाई तरीके से लिख लिया तो मैक्सिमम टर्म्स फिर तो हमारे कैंसिल हो जा रहे हैं, फिर हमारा पूरा क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस जो कि हमारे यहाँ पर एनपीआर के फॉर्मूले के बेस्ड पर थे, उन लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर रखा है। अब हम इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम पर जाएंगे और एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे एनसीईआरटी के बेस्ड पर होगी। तो इसके बाद में अगले लेवल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो हम जो एनपीआर पढ़ रहे थे, एनपीआर किस केस के लिए था, हमेशा और हमेशा जहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं हो रहा था उस केस के लिए हम एनपीआर पढ़ रहे थे, क्लियर। तो यहां पर हम एनपीआर का मतलब यह, यहां पर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, करेक्ट। अब हम जहां पर देख रहे हैं कि यदि हमारे पास में कोई एक वर्ड लिखा हुआ है, लेट अस्यूम वो वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास में अलाहाबाद वर्ड लिखा हुआ है, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ए है वो कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, और एल है वो कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, फिर उसके बाद में बी आ रहा है 1 टाइम, फिर एच आ रहा है 1 टाइम, और डी आ रहा है 1 टाइम। अब लेकिन जब तक हम एनपीआर के फॉर्मूले से एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल पढ़ रहे थे, इस केस में तो हमेशा हमने क्या देखा था कि जो नंबर्स हैं वो रिपीटेड तो नहीं हो रहे थे, बट जो नंबर्स थे वो क्या थे, डिस्टिंक्ट नंबर थे। जैसे कि हम यदि 3 डिजिट नंबर की बात करें,
थ्री डिजिट नंबर की बात करें तो यहाँ पर हम जो नंबर्स ले रहे थे वो 2, 6, 7, 5, 3 इस तरह से ले रहे थे, और उसके बाद में हम थ्री डिजिट नंबर बना रहे थे। यहाँ पर कुछ आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो जो हमारे पास में टर्म्स एंड कंडीशन थी पहले वाले केस के लिए, इस केस के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो क्या थी कि जो ये हमारे पास में डिजिट्स लिखे हुए हैं, दीज ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, ये सभी डिजिट्स अलग अलग थे। अब लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि जो हमारे पास में डिजिट्स लिखे हुए हैं वो हमेशा अलग अलग हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर थ्री भी हो, एक और थ्री हो, फिर हमें करना होगा कुछ। तो जब हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये भी हमारा परम्यूटेशन के बेस पर सॉल्व होता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं परम्यूटेशन के बेस पर। ठीक है, तो हम यदि यहां पर देखें एंड डिस्टिंक्ट आउटकम्स हो रहे थे, और एंड डिस्टिंक्ट आउटकम्स में कोई एक आउटकम ऐसा था जो कि हमारा रिपीटेड था, जो कि हमारा रिपीटेड था। यदि हम बात करें एनपीआर की, एनपीआर में यदि हमारे पास में एन डिस्टिंक्ट आउटकम्स आ रहे हैं, एन डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, और उसके बाद में पी रिपीटेड आ रहे हैं, पी हमारे आ रहे हैं जो कि रिपीटेड टर्म्स हैं। देखो यहां पर जो यहां पर अलाहाबाद हमने एग्जांपल लिया है, इसमें अलाहाबाद में क्या रिपीटेड टर्म्स है और एन डिस्टिंक्ट टर्म्स क्या है, इनको हम समझेंगे। यदि हम यहां पर डिस्टिंक्ट की बात करें, डिस्टिंक्ट की बात करें, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, करेक्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां पर टोटल 9 है। लेकिन जो रिपीटेटेड वर्ड्स हैं, तो यहां पर रिपीटेड वर्ड्स हैं वो कितने हैं? ए ए ए ए 4, यानी कि हमारा जो ए है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और एल है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझें, आपको पहले उस तरह से क्लियर करा दें, उसके बाद में आपको इस एग्जाम्पल को सॉल्व कराएंगे। यदि हमारे पास में एक वर्ड है, उसको हम ले लेते हैं, चलो रूट ही लेते हैं, रूट, या फिर हम लेते हैं जूम, करेक्ट, ये हमारे पास में जूम वर्ड है, और इसको हमें कितने तरीके से इसको लिख सकते हैं? 4, 3, 2, 1, जहां पर की रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 12, 12, 2, 24, कितने आउटकम्स निकल के आ रहे हैं? 24 आउटकम्स निकल के आ रहे हैं। इस बात को क्लियर से समझना कि यहां पर हमारे पास में जूम वर्ड लिखा हुआ है और इसको हमें लिखना है, तो इसको हमें लिखना है, यानी कि 4 वर्ड है हमारे पास, 1, 2, 3, 4 है। पहली जगह पर हम कोई भी एक यहाँ पर एक लेटर लिख सकते हैं, दूसरी जगह पे एक लेटर तो लिख दिया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो दूसरी जगह पे 3 लेटर में से कोई भी एक लिख सकते हैं, तीसरी जगह पे 2 लेटर में से कोई भी एक लिख सकते हैं, और चौथी जगह पर उसमें एक लेटर ही लिख सकते हैं। तो हमारे पास में नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ राइटिंग जूम इन दिस ऑर्डर, यहाँ पर कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनाए या फिर मीनिंगफुल वर्ड ना बनाए, इसके कितने आउटकम्स निकल के आ रहे हैं? 24 आउटकम्स निकल के आ रहे हैं। यदि हम इसको दूसरी तरह से देखें, यदि यहाँ पर हम देखें, देखो यहाँ पर अब ओ और ओ दो बार रिपीट हो रहा है, ओ और ओ दो बार रिपीट हो रहा है, अलग अलग तो है नहीं, तो जब भी हम इसमें 24 आउटकम्स लिखेंगे तो जूम हमारा O1 और O2 है, और या फिर हम जूम O2 और O1 M लिखें, यानी कि हम जूम इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, ये तो हमारी एक ही चीज हो गई है। क्लियर? ये हमारी एक ही चीज हो गई है जो कि हमारे दो बार लिख करके आ रही है, ZOOM या फिर ZOOM, दोनों एक ही चीजें हैं जो कि हमारे दो बार लिख करके आ रही हैं जब हमारे 24 आउटकम्स हो रहा है, यानी कि इस तरह से एक बार लिख कर आ रहा है। यदि हमारे पास ZMOO होता, यहाँ पर O1 O2 होता, तो ये भी हमारा ZMO2 O1 हो रहा, यानी कि हम O1 O2 लिखें या फिर O2 O1 लिखें, O1 O2 लिखें या फिर O2 O1 लिखें, यानी कि ये वर्ड और ये वर्ड तो हमारा है एक ही, अब हमारा जो ओ है वो आपस में इंटरचेंज होकर के लिखा जा रहा है, जो कि मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ZOOM या ZOOM ये तो एक ही वर्ड है, यानी कि इस टाइप से हमारे बहुत से वर्ड्स आ सकते हैं, बहुत से लेटर इस टाइप से आ सकते हैं जो कि हमारे इसमें इन्वॉल्व है। वो किस तरह से हम इलिमिनेट करेंगे उसको समझने के लिए हम परम्यूटेशन का नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो कि होता है कि एन हमारे पास में आउटकम्स आ रहे हैं बट पी आउटकम्स ऐसे हैं जो कि रिपीटेड हो रहे हैं, उसको हम लिखेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन
पी फैक्टोरियल, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास में जूम है, जूम में हमारे पास में कितने लेटर हैं, यानी कि यहाँ पर फोर है, यहाँ पर लेटर है, जो कि फोर लेटर रिपीटेड नहीं है तो फोर फैक्टोरियल हो जाएगा। अब जो रिपीटेड है ओ और ओ तो हमारे दो बार आया हुआ है, तो यहाँ पर डिवाइड में ओ है, यानी ओ का यानी दो बार आ रहा है तो टू फैक्टोरियल कर देंगे, तो हमारे पास अब नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे, दैट विल बी। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में कैटल, सी ए टी टी एल ई। अब हमारे पास में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 लेटर है, ठीक है। अब जो लेटर है जो कि यहाँ पर ही रिपीट हो रहा है, यहाँ पर टू टाइम्स आ रहा है या थ्री टाइम्स आ रहा है, वो क्या है, टी है। टी कितने टाइम्स आ रहा है, टू टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर मीनिंगफुल और मीनिंगलेस कैसी भी मीनिंग बन रही हो वो मैटर नहीं करता, बट इनको अरेंज करने के बाद में कितनी मीनिंग्स बन सकती हैं, तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं, वो होंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, करेक्ट। तो ये 6 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल डिवाइड में क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर टी हमारा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो इसके नंबर ऑफ आउटकम्स निकलेंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो हमारे पास में कितना आएगा, 4 × 3 = 12 × 60 × 6, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ आउटकम्स निकल के आएंगे, 360 आउटकम्स निकल के आएंगे। यदि यहाँ पर टी ना होता, टी की जगह पर यहाँ पर पी होता, टी की जगह पर टी ए पी एल ई सी ए टी पी एल ई होता, तो फिर वहां पर कितने आउटकम्स निकलते, फिर तो वहां पर केवल 6 फैक्टोरियल होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारे नंबर यानी सारे यहाँ पर जो लेटर्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, करेक्ट। यहाँ पर जब डिस्टिंक्ट होते हैं तो डायरेक्टली एन फैक्टोरियल हो जाता, डिस्टिंक्ट नहीं है, यहाँ पर जब डिस्टिंक्ट है तो डायरेक्टली हम एन पी आर लिखते हैं ना, तो अब यहाँ पर जब ये डिस्टिंक्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है यानी कि कोई एक टर्म हमारा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एन पी आर डिवाइडेड बाई पी फैक्टोरियल है, यानी कि हम जो नंबर पी ले रहे हैं वो क्या है, जो डिस्टिंक्ट नहीं है यानी जो रिपीट कर रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पर एक बार से ज्यादा अकर कर रहे हैं, उसको हम इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है अलाहाबाद, अलाहाबाद में हम देखें तो इससे कितने मीनिंगफुल और मीनिंगलेस वर्ड्स बन सकते हैं इन वर्ड यहाँ पर इन लेटर को यूज करते हुए, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ए है वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, ए ए ए ए 4 बार अलाहाबाद में ए आ रहा है, और उसके बाद में एल है वो कितने बार आ रहा है, एल हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, एच 1 टाइम्स आ रहा है, एच के बाद में बी और डी, बी भी हमारा 1 बार आ रहा है और डी भी हमारा 1 बार आ रहा है, करेक्ट। तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स, 9 यहाँ पर हमारे पास में लेटर है, और 9 लेटर में ए 4 टाइम्स है, एल 2 टाइम्स है, फिर बचे हुए 3 एक एक बार है। अब हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज लिखने, यानी कितने तरीके हो सकते हैं कि इससे अलग अलग लेटर बन सकते हैं, तो कितने हैं, 9 है, तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। डिवाइड में यहाँ पर कौन सा रिपीट हो रहा है, 4, क्योंकि ये हमारा 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल, एल 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इसको ये लिखना मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल हो गया, तो फिर हमारा आंसर आएगा 9 × 4 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल × 2 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो हमारे पास में आएगा 9 × 8 × 7 × 5 = 15, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट होगा इतने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहाँ से निकल सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन बनता है। तो अब हम एक्सरसाइज पर चल रहे हैं 7.3 पर, और वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम यदि 7.3 की बात करें, में हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी 3-digit numbers कैन बी formed by using digits 1 to 9 if no digit is repeated। अब हमारे पास में 1, 2, 3 से लेकर के 9 तक digits हैं, और इन digit को यूज करके हमें क्या करना है, 3-digit number बनाना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन मेथड से तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन कर लिए थे,
अब हमें यदि परमुटेशन से करना है तो 9 में से हमें कितने चाहिए, 3 डिजिट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये सारे डिजिट क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो ये 9p3 लिख रहे हैं। यदि डिस्टिंक्ट नहीं होते तो अलग फॉर्मूला होता, यहाँ पर हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 9p3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकेंड है, हाउ मेनी 4 डिजिट आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। यहाँ पर हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। अब हमारे पास में जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेकर के होंगे कहाँ तक, 9 तक होंगे, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा तो हमारे यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, टेंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, यानी कि हम सबसे पहले तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कौन सा नंबर हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, बचे हुए 9 हो सकते हैं, यहाँ पर कितने फिर से 9 हो सकते हैं, यहाँ पर 8 हो सकता है, यहाँ पर 7 हो सकता है, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है, ये अपना कर चुके हो बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ये हमारा इस टाइप से आंसर आ जाएगा इसका, 9 × 9 × 8 × 7 इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 6 और 7 को यूज करते हुए कितने पॉसिबल इवन नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं, कितने पॉसिबल इवन नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं, तो इवन नंबर होने के लिए कितना 3 डिजिट का इवन नंबर चाहिए, तो 3 डिजिट का इवन नंबर चाहिए, तो हमारे जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पर क्या आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, यहाँ पर हमारे कोई भी एक नंबर आ सकता है, और बचे हुए हमारे पास में 1, 2, 3 या 3, 3, 6 में से अब हमारे पास में 5 डिजिट बचे हुए, यहाँ पर 5 आ सकता है, यहाँ पर 4 आ सकता है, क्लियर। ये तो हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड से हो गया, यदि हम परमुटेशन से करें तो पहले जगह पर 3 में से कोई एक नंबर आ जाए, पहले यानी कि यहाँ पर यूनिट डिजिट में 3 में से कोई एक नंबर आ जाए, या तो हमारी जगह फिक्स हो गई है, क्लियर। और अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स बचे हो गए, अब इन दो प्लेसेस पर 5 में से कोई 2 आ जाए, 5 में से कोई 2 आ जाए इन दो प्लेसेस में, तो यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि एंड हो रहा है, यानी कि इवन नंबर भी हो और हमारे पास में क्या हो 3 डिजिट नंबर भी हो, यूनिट नंबर भी हो, यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए इवन और 3 डिजिट नंबर हो, तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 3p1 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास होगा 5p2। इससे आंसर क्या निकल के आता है, ये आएगा 3 × 3 × 3 − 1 × 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 × 5 − 2 यानी 3 हो जाएगा, 3 × 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 4 × 3 यानी कि 60 पॉसिबल आउटकम्स निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर हम देखें तो 5 × 4 × 3 ये भी हमारा क्या होगा 60 पॉसिबल आउटकम्स निकल के आ रहे हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को परमुटेशन मेथड से भी कर लिया और मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट कैन बी फाउंड 1, 2, 3, 4, यही तो किया है अभी, नो यही है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। 1, 2, 3, 4, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा और हमें क्या चाहिए 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो क्या होगा डायरेक्टली 5, 4 हो जाएगा ना भाई, हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा 5p4 हो जाएगा। अब हमसे सेकेंड कंडीशन में पूछा गया, अब ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, तो ये तो हमारा 5p4 हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में पूछा गया हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, तो इवन होने के लिए यूनिट प्लेस पर 2 हो या फिर 4 हो, यानी कि यूनिट प्लेस पर 2p1 आना चाहिए, और जो टेंस प्लेस है, अब जो टेंस प्लेस है यानी कि हमारे यहाँ पर क्या चाहिए 4 डिजिट चाहिए, 4 डिजिट नंबर चाहिए, अब हमारे पास में 4 डिजिट बचे हुए हैं, यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या चाहिए 1, 2, 3, 4 डिजिट नंबर चाहिए, यहाँ पर कोई भी 2 में से एक आ रहा था तो 2p1 हो गया था, अब बचे हुए हमारे पास में कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 में से एक तो यहाँ चला गया, बचे हुए कितने 4 डिजिट्स हैं, और उन 4 डिजिट्स को हमें कितनी प्लेसेस पर इंसर्ट कराना है, बची हुई 3 प्लेसेस पर इंसर्ट कराना है, तो हमारा हो जाएगा 4p3 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2p1 की वैल्यू आएगी।